jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। जीटी रोड स्थित शिवपुरी से एक युवक बाइक चोरी कर ले गया था। यह पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, लेकिन अब उक्त युवक एक लेटर चिपकाकर बाइक वापस उसी जगह छोड़ गया जहां से बाइक चुराया था, जिसमें उक्त युवक ने कोई पुलिस कार्यवाही न करने के बारे में कहा है। हालांकि मामले की शिकायत पुलिस को नहीं दी गई थी। बता दें कि एक सप्ताह पूर्व शिवपुरी के गेट से एक गायब बाइक चोरी हो गया था, लेकिन मंगलवार को बाइक उसी जगह वापस खड़ा हुआ मिला जहां से बाइक चोरी हुआ था। उस पर एक पत्र भी चस्पा हुआ था, जिस पर बाइक ले जाने वाले व्यक्ति ने खुद को बाइक चोर न बताते हुए किसी जरूरी काम से बाइक की जरूरत होने के चलते बाइक उठाने की बात मानी है। इतना ही नहीं, बाइक चोर ने बाइक की एक्सेसरी व इसके कागजात लौटाने के लिए जल्द ही खुद व्यक्तिगत रूप से पेश होने की बात भी लिखी। फतेहाबाद शहर में शमशान घाट के बाहर से अज्ञात व्यक्ति एक बाइक उठाकर ले गया था। बाइक चोरी की ये सारी वारदात शमशान घाट के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद किसी ने ये सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद फेसबुक और व्हाट्सएप पर हजारों लोगों ने इसे देखा। इस सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि शमशान घाट के बाहर एक बाइक पर दो युवक आते हैं और कुछ देर तक बाइक के आसपास खड़े होकर आपस में बात करते हैं। इसके बाद अचानक से एक युवक बाइक लेकर चलते बनता है और दूसरा युवक अपनी बाइक लेकर उसके पीछे निकल जाता है। आदरणीय भाई साहब, मैंने आपका बाइक चोरी किया था, अब मैं आपका बाइक वापस कर रहा हूँ। मुझे बाइक की एक दिन के लिए जरूरत थी। मैं फतेहाबाद का ही रहने वाला हूँ और ये गंदा काम पहली बार ही किया। मेरी कोई मजबूरी थी, प्लीज मुझ पर कोई कार्यवाही ना करो। मैं एक मजबूर बाप हूँ। मैं जल्द ही बाइक की टंकी और इसके कागजात जल्द ही खुद आकर आपके घर दे जाऊंगा, साथ ही तभी अपनी मजबूरी भी बताऊंगा। बाइक चोरी होने की शिकायत पुलिस को दी ही नहीं गई है। अच्छी बात है, बाइक मिल गई। फिर भी पुलिस मामले की जांच कर रही है।